بسم الله الرحمن الرحيم واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ایمان ودامن لئی ایک نعت سنا دیواں ایمان ودامن لئی ਇੱਕ ਨਾਤ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹੀ ਵਾਲਿਹੀ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਈਮਾਨ ਵਧਾਵਣ ਲਈ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੀਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਐਵੇਂ ਰੁਲ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਸੇ ਐਵੇਂ ਰੁਲ ਨਾ ਰੁਲ ਜਾਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂ ਈਮਾਨ ਵਧਾਵਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਾਨ ਅੱਜ ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਇੱਕ ਜਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਲਾ ਜਾਨ ਅੱਜ ਲੱਖ ਹੋਵਣ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਨ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ ਸੋਹਣੇ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਹਰ ਜਾਨ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ ਈਮਾਨ ਵਧਾਵਣ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੂਦੋ ਸਲਾਮ ਇਮਾਮ ਅਲੰਬੀਆ ਹਬੀਬ ਕਿਬਰੀਆ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਮੀਨ ਮੁਹਤਰਮ ਖਿਤਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਦ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚੰਦ ਮਾਰੂਜ਼ਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਣਾ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ, ਜੋ ਮੁਆਸ਼ਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਜੋ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹਮਵਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ। ਜਦਕਿ ਜਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਮੀਨ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਜਿਸ ਆਇਆ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਆਇਤ ਕਰੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਕੂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਮੂਮਨ
अल्लाह पाक ने इंसान के उत्ते जो मोटिया मोटिया दो किस्म हकूक दिया खालिके कायनात ने मेरे और तेरे उत्ते अल्लाह पाक ने फर्ज कीतिया ने नाफज कीतिया ने वो दो किस्म केड़िया ने एक हुकूक उल्ला ते दूसरा हुकूक उल जिन्हां नूं पता है हुकूक उल इबाद हुकूक उल्ला अल्लाह दे हक ने हुकूक उल इबाद बंदियां दे हक ने जिहड़ा बंदा बंदियां दे हक अदा करे अल्लाह दे हक ना अदा करे वह मेरे रब दियां मर्जियां चाहे तो सजावां दे के माफ कर देवे ते चाहे तो वैसे ही माफ कर छड़े लेकिन अगर जिहड़ा बंदा अल्लाह दे हक अदा करदा है लेकिन बंदियां दे हुकूक अदा नहीं करदा याद रखिया जे क्यामत के दिन उदों तक माफ़ी नहीं जे लभनी जदों तक बंदा बंदे नूं माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह कोलों दुआ करो अल्लाह सानूं जुलम तो ज़ियातियां तो महफूज फरमाए एक दूसरे दियां जाना लैन वाले नहीं बल्कि अल्लाह सानूं एक दूसरे वास्ते जाना देन दी तौफीक अता फरमाए। हजरात सामईन मोहतरम अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर सब तो पहला अपने हुकूक का जिक्र किया है। मैं बड़े इख्तसार नाल अल्लाह पाक के हुकूक का तुहाडे सामने जिक्र करा फिर थोड़ा जिहा हुकूक लई बात के बारे जिक्र करके इंशाअल्लाह बात खत्म कर देंगा। तवज्जो नाल अल्लाह पाक का कलाम सुनिया जे रब्बुल आलमीन का कुरान सुनो खालिके कायनात का कुरान किस बात का ऐलान करता है मैं समझना पिया तुसीं अहबाब काफ़ी देर तो तशरीफ फरमाओ सुनते पे हो अल्लाह पाक तुहाडा बैठना यकीनन तुसीं अल्लाह के घर च बैठे हो तो गोया तुसीं इबादत तेरी मसरूफ हो अल्लाह तुहाडी इबादत लिखता पिया नेकी दी मजलस अंदर बैठी हो कुरान सुनने की महफल अंदर अल्लाह तुहाडा बैठना कबूल फरमाए। तवज्जो नाल समाप्त करना खालिके कायनात का कुरान किस बात का ऐलान करता पे है इमामुल अंबिया हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना पाक ते खालिके कायनात दा कुरान नाज़िल होया है। रब्बुल आलमीन फरमांदे ने ए मेरे आ सोने आ महबूबा जी रब्बे जलील फरमाया सोने आ कुरान मजीद दी तिलावत कर इस आयत मुबारक नूं नबी पाक ने लोगों के सामने तिलावत किया है। अल्लाह पाक दे हुकूक दा जिक्र नबी पाक ने किया है अल्लाह फरमांदे ने वाअबुदुल्लाह वला तुशरीकू बिही शैया फरमाया कायनात दे लोगो अल्लाह पाक दा बंदियां ते हक की है। अल्लाह फरमांदे ने लोगो अल्लाह दी जात दे नाल किसे नूं शरीक नहीं बनाउणा इबादत करनी अल्लाह वास्ते सजदा करना अल्लाह वास्ते क्याम करना अल्लाह वास्ते रुकू करना अल्लाह वास्ते हर तरह दियां नेकियां अल्लाह वास्ते सदका तो खिरात अल्लाह वास्ते नजरो न्याज अल्लाह वास्ते क्योंकि मशरक दा मालक भी अल्लाह मगरब दा मालक भी अल्लाह शमालो जनूब दा मालक अल्लाह इस वास्ते फिर मदद दा नारा अल्लाह वास्ते मुश्किल कुशाही दा नारा अल्लाह वास्ते हाजत रवाई दा नारा अल्लाह वास्ते चौला दियाँ देगा अल्लाह वास्ते हलवे दियाँ देगा अल्लाह वास्ते फला फला पका के वंडना अल्लाह वास्ते हर तरह का सदका खिरात अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन दा तेरे मेरे उते हक है खालिके कायनात मेरे पैगंबर आमिना दे नाल ही सलातो सलाम हजरत माद बिन जबल नू नबी पाक ने अपने नाल सवारी ते बिठाया ते मेरे पैगंबर हजरत माद बिन जबल दे कोलों सवाल करदे ने आका फरमांदे ने माज तेनू पता है अल्लाह दा बंदियां ते हक की है ते बंदियां दा अल्लाह ते हक की है। हजरत माद बिन जबल फरमांदे ने सुनिया अल्लाह जानदा है यौदा रसूल जानदा बाबू बस सानू नहीं पता मेरे आका फरमांदे ने माज अल्लाह दा बंदियां ते हक है वे बंदे अल्लाह दी इबादत करन किसे नूं अल्लाह दे नाल शरीक ना बनान अल्लाह दियां सिफतां नूं गैरां विच ना पान धीआं देण वाला अल्लाह ते मंगणा भी अल्लाह दे कोलों पुत्तर देण वाला अल्लाह औलादां मंगणियां भी अल्लाह कोलों लै के खो लैण वाली जात अल्लाह दी जात है नहीं यकीन ते अल्लाह पाक दा कुरान पढ़ अल्लाह फरमांदे ने लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज यखलुकु मा यशा याहबुली मई अशा उनासू व याहबुली मई अशा उजुकू
او یو زوی جو ہم ذکرانم و انازا و یا جادو من یشا او اکیما फरमाया कायनात दे लोगो हर तरह दियां बादशाहियां अल्लाह करीम दे कोल हर किस्म दी बादशाही अल्लाह करीम दे कोल चावे ते तियां ही तियां अता कर देवे चावे ते पुत्र ही पुत्र अता कर देवे ए चावे ते कुछ भी ना देवे खामद भी सेहतमंद है बीवी भी सेहतमंद है अपने इलाज करवा ले डॉक्टर क्या दिता ना तेरे अंदर कमी है ना तेरी बीवी अंदर कोई कमी है औलादा नहीं लभदियां पईआं आसमान तो अल्लाह करीम ने परवाना नाजल कर दिता है अल्लाह फरमाते ने औलादा देनियां ना दुनिया दे किसी ताकत दे इख्तियार दे अंदर नहीं दिता बल्कि औलादा देन वाली जात अल्लाह दी जात है जदों सब कुछ देन वाली जात अल्लाह दी जात है फिर मंगना भी अल्लाह कोलों चाहिए सवाल भी अल्लाह कोलों करना चाहिए अल्लाह वाला तर्जमा नहीं कर दे आंदे अल्लाह कोलों मंग बंदिया जिथों मोड़ ना थोड़ोवे परदे काज लेंदा बंदा उम्रां दा चोरोवे बोलो अमूमन सुनिया कुर्सी च नशा हुंदा है कुर्सी वाले बोलते ने तुसी नहीं जे बोलते उची आखो जरा सुभान अल्लाह गूंज पै जाए गज के आखो सुभान अल्लाह अल्लाह कोलों मंग बंदिया जिथों मोड़ ना थोड़ोवे परदे काज लेंदा बंदा उम्रां दा चोरोवे कुरान दियां पढ़े तां आयतां विच शक कोई नहीं रब दिया सजदियां विच बंदियां दा हक कोई नहीं वली पीर पैगंबरां दा भावें परदे काज लेंदा बंदा उम्रा दा चोरोवे अल्लाह अकबर अल्लाह कायनात दे लोगो अल्लाह करीम दा हकी है कुरान ऐलान कर दे फरमाया कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महियाया व ममाती लिल्लाही रब्बिल आलमीन फरमाया कायनात अंदर जिंदगी गुजारन वालियो महबूब पैगंबर ने पूरी कायनात दे लोगों के सामने ऐलान किया है अल्लाह फरमांदे ने सुने कह दे मेरी नमाज भी अल्लाह वास्ते मेरा रोजा भी अल्लाह वास्ते मेरिया कुर्बानियां अल्लाह वास्ते मेरिया नमाजा अल्लाह वास्ते मेरा जीना भी अल्लाह वास्ते मेरा मरना भी अल्लाह वास्ते ये सारिया नेमत देने वाली अल्लाह की जात है जदों देने वाली अल्लाह की जात है फिर शुकराना भी ओदा अदा करना चाहिए शुक्र भी ओदा ही अदा करना चाहिए ये बंदे ते हक अल्लाह की जात दा नहीं अदा करेगा हक कयामत दे दिन इस हक दा अल्लाह की अदालत के अंदर जवाब देना पड़ेगा आओ अल्लाह दे कुरान दा अगला मुकाम खालिक कायनात रब्बुल आलमीन दी जात तो बाद केदा हक तेरे मेरे जिम्मे अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान जिथे भी मैं पढ़िया अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान जगह जगह ऐलान कर दे अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल किथे अल्लाह दा कुरान ऐलान कर दे फरमाया व मैं युतीउल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहासुना उलाइका रफीका ते किते अल्लाह फरमांदे रे वा मैं युतीउल्लाह मैं युतीर रसूला फकद अता अल्लाह फरमाया जिन्हें अल्लाह दे रसूल की इताअत कर ली गोया उन्हें अल्लाह की इताअत की थी है कायनात दे लोगो अल्लाह इनायतां दे अंदर दसना की चाहुंदा है मेरे तो बाद तुहाडे जिम्मे हक है मेरे नबी दा हक तुहाडे जिम्मे अल्लाह सुने हम तेरे नबी दा हक की साडे जिम्मे क्या नबी दी विलादत आवे असी झंडियां ला दिए हक अदा हो जाएगा ना 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 हक नहीं अदा होना अल्लाह सुने तेरे नबी दा की हक है
बारह रबीउल अव्वल दा दिन आए, झंडियां लैके अपने घरां ते ला दईए, झंडे गड़ दी अपने घरां दे उते, क्या हक अदा हो जाएगा? ना ना ना, हक नहीं अदा होना। अल्लाह सोणिया लाइटां दा इंतजाम कर दईए, तेरे नबी दी विलादत दे दिन हक अदा हो जाएगा। अरशां तो आवाज आई, ना ना ना, हक नहीं अदा हो सकदा। अल्लाह जी हक किवें अदा होएगा? अल्लाह फरमांदे ने मेरे पैगंबर दे जरिए खालिक कायनात ने लोगों नूं पैगाम दिता है। आका फरमांदे ने मन अहब्बा सुन्नती फकद अहब्बानी व मन अहब्बानी काना माईया फिल जन्ना। फरमाया मेरी नाल मुहब्बत दा दावा करन वालिया खाली गल्लां नाल मुहब्बत साबित नहीं होनी, खाली गल्लां नाल प्यार साबित नहीं होना। अल्लाह जे ए महबूबा करना की पएगा? फरमाया जे मेरे नाल प्यार करना ही ना ते फिर मेरी सुन्नत नाल प्यार करया कर, फिर मेरे तरीके नाल प्यार करया कर। ना देखिया कर बरादरियां की आखणगियां, ना देखिया कर कुंबा कबीला की आखेगा, ना देखिया कर मस्जिद दा इमाम की आखेगा, ना देखिया कर रिश्तेदार की आखणगे, वेखिया कर आमिना दा लाल की आंदा, आमिना दे लाल दा रब की आंदा, मेरी मन की आएगा ते कयामत नूं अल्लाह इनाम की देगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अल्लाह वाला कहंदा आ पढ़ लै किताब तू सुन्नत दी, तेनू डिगरी मिल सी जन्नत दी। बोलो चौल पक्के ने तुहाडे वास्ते, हिम्मत ना जी तुसी एवें लग्या भी सुते पए ने ते इन्हां देगा बाहर लै जाणी, थोड़ी आवाज कढ़ के दसो भी तुसी जागदे बैठे जी, आखो तेरा सुभान अल्लाह। आ पढ़ लै किताब तू सुन्नत दी, तेनों डिगरी मिल सी जन्नत दी। मेरा पीर इमाम इमाम दा ओनू खास ख्याल गुलाम दा, ओनू खास ख्याल गुलाम दा, ओ जग विच तुम ओदी रहमत दी, तेनू डिगरी मिल सी जन्नत दी। जेड़ा सुन्नत दा हुबदारो सी, ओ जन्नत दा हकदारो सी। बोलो कर लो हिम्मत थोड़ी जी, आखो सुभान अल्लाह। जेड़ा सुन्नत दा हुबदारो सी, ओ जन्नत दा हकदारो सी। जेड़ा सुन्नत दा हुबदारो सी, जेड़ा सुन्नत दा हुबदारो सी, ओ जन्नत दा हकदारो सी, ओ जन्नत दा हकदारो सी। क्या बात है उस दी अजमत दी, तेनू डिगरी मिल सी जन्नत दी। आ पढ़ लै किताब तू सुन्नत दी, तेनू डिगरी मिल सी जन्नत दी। नबी पाक दा हक अल्लाह तो बाद तेरे मेरे जिम्मे। अल्लाह करीम ने नबी पाक दा हक लिखी है, नबी दा अदब करना नबी दा हक है, नबी दी इत्तिबा करना नबी दा हक है, नबी दे फरमान सुनना नबी दा हक है, साडे जिम्मे नबी दा हक है, नबी दे फरमान ते अमल करना नबी दा साडे जिम्मे हक है। कयामत दे दिन अल्लाह सवाल करेगा, खुद नबी भी सवाल करेगा, जे गल नहीं ना मनेगा अल्लाह दे कुरान नूं छड्डेगा ते मेरे रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान कर। अल्लाह फरमांदे ने वकाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ु हाज़ल कुरान महजूरा। कयामत दा दिन होएगा, नबी पाक अल्लाह दी अदालत अंदर फिर तेरी मेरी शिकायत करनगे। अल्लाह पुछ इन्ना उम्मतियां नूं, इन्हां ने मेरे गारां विच रोण दा मुल नहीं पाया, इन्ने मेरे यारां विच रोण दा मुल नहीं पाया। मैं ताइफ दी वादी अंदर पत्थर खादे मेरे जिस्म चो निकले खून दा मुल नहीं पाया, मेरे यारा ने दीन वास्ते जिस्म कटवाया, इन्होंने कटे जिस्म दा मुल नहीं पाया। मेरी सुमैया दियां तकलीफा
ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਖਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਇਨਾ ਮੇਰੀ ਸੁਮਈਆ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਨੈਰਾ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਆਹਦ ਆਹਦ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤਪਦਿਆਂ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਇਨਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹਦ ਆਹਦ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਮ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਨਬੀ ਕਾ ਫਰਮਾਨ ਤੋਂ ਐਸੇ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਸਾਡੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਦਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮੇਰਾ ਦੀਨ ਇਹਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਲਿਆ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਦੀਨ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਯਤੀਮ ਸਮਝਿਆ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਐਡਾ ਮੁਕਾਮ ਅਗਰ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆਏ ਅੱਜ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅੰਜ ਬਹਿ ਗਏ ਸਹਾਬਾ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ ਹੈ ਜਿਬਰੀਲ ਸੀ ਨਵੇਂ ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਗੁੱਟੜੇ ਟੀਰ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਦੱਸੋ ਇਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਇਮਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਮਹਬੂਬਾ ਕਿਆਮਤ ਕਿਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਕਿਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਕੋਲ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾ ਇਹ ਜਿਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿਸ ਗਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਬੀ ਨੇ ਸਿਹਾਬੋ ਸਿਹਾਬੀਓ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਬਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਿਬਰੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਦੱਸਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਬਰੀਲ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਨੂਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ 600 ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਨੂਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰ ਜਿਬਰੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਦੀਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਬਰੀਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਬਲਕਿ ਦੀਨ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਦੁਰੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਦੀਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਬਰੀਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੀਨ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਅੱਜ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਹਦੀਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਬਰੀਲ ਦੀ ਵਾਹ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਖੁਤਬਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਅਬਦਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਾਕੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਵਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿੱਡਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨਬੀ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨ
वाला नबी किड़ी अजमत वाला है। मेरा दिल कर दे मैं उस नबी की अजमत अंदर इंज का जुमला बोला। अल्लाह वाला तर्जमा नहीं कर दे आंदा किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे किस कदर है बनाया हसी मुस्तफा मुस्तफा जान दे या खुदा जान दे उसकी अजमत समझ बिच किवें आसिया रोजे माहशर जो रब नू मना जान दे अल्लाहु अकबर अल्लाह उसकी जुल्फां नू वल्ले ले आखे खुदा वल कमर है पेशानी ते मुख वजुहा नात खाना खतीबा दे वस विच नहीं आ नात खाना खतीबा दे वस विच नहीं आ उस दी तारीफ कुरआन सुना जान दे अल्लाहु अकबर अल्लाह उस दे दरबार आली दी क्या बात है जिथे तुल दे ना होगा तिते जात है वामे हबशा चो विकदा गुलामा वंजे वामे हबशा चो विकदा गुलामा वंजे उस नुकाबे दी छत ते चढ़ा जान दे अल्लाहु अकबर अल्लाह हजरत मोहतरम अल्लाह दा हक उस तो बाद नबी दा हक आखरी गल करां ते सलाम आखां रब्बुल आलमीन दा कुरान ऐलान कर दे अल्लाह फरमांदे ने वाअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया वबिल वालिदैन एहसाना हुकूकुल इबाद दा जिक्र कर दियां खालिक कायनात ने सब तो पहला जड़ी हस्ती दा जिक्र कीता है जड़ी हस्ती दा जिक्र अल्लाह करीम ने कीता है अल्लाह दसना चाहुंदा लोगो हुकूकुल इबाद दे अंदरों सब तो ज्यादा जेड़ा तुहाडे हुस्न हुस्ने सलूक दा हकदार है वह हस्ती तुहाडे मां बाप वाली हस्ती है अम्मी अबू वाली हस्ती है पर मैं वेखा अज सोशल मीडिया ते सब तो ज्यादा तुहीन मां बाप की कीती जाए सोशल मीडिया ते टिकटॉकर अम्मी अबू की तुहीन करके अपने व्यूअर वधाउण दी वजह तो फॉलोअर वधाउण दी वजह तो अपने लाइकरां विच इजाफा कराउण दी वजह तो अम्मी अबू दे उत्ते जुगतां करदे ने मां बाप दी तुहीन करदे ने बल्कि तेरी सोशल मीडिया दे उत्ते एक बंदा ही मशहूर रन मरीद दे नाम ते वह बंदा पता की आंदा है वह आंदा है लोगो मावां ठंडियां छावां नहीं हुंदियां बीवियां ठंडियां छावां हुंदियां ने मावां दे पैरां थले जन्नत नहीं बीवियां दे पैरां थले जन्नत है करदा नबी दी हदीस नाल मजाक भी है करदा नबी दी शरीयत नाल मजाक भी है इस पागल नूं इस बेईमान नूं पता नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन दी शरीयत पढ़ के वेख आवाज आउंदी है कायनात दे लोगों अल जन्नतु फरमाया जन्नत अल्लाह करीम ने मोमना दे मावां दे कदमां दे थले रखी है जिहड़ा बंदा मां बाप की खिदमत करदा है अल्लाह उस बंदे नूं जन्नत दा हकदार बणाउंदा है पर याद रखी इन्हां नेमतां दा उदों पता लगदा है जदों इह नेमत इत्थों खुस जावे जदों अबू कहण वाली हस्ती दुनिया ते ना रह जाए जिथों जिदों जनाब वाला जदों अम्मी कहण वाली हस्ती दुनिया तो चली जाए जिन्हों मां कह के पुकारना वे दुनिया ते बड़े बड़े रिश्ते मां बाप वाला प्यार देने दे दावेदार बन जाते हैं मैं आखिया गली बाती ते हर कोई प्यार कर लेंदा है पर रातां दे वेले दरवाजे नाल लग लग के पुत्र नूं कौन उडीकेगा दरवाजे नाल लग लग के पुत्रां दियां उडीकां कौन करेगा रोटी ठंडी पई है ते पुत्र घर आउंदा ते मां नूं फिकर है अबू नूं फिकर है रोटी गर्म करके पुत्र नूं खिलाई जांदी है जदों मां बाप दा साया सिर तों उठ जांदा है ना भरा कम आउंदे ने ना भाबियां कम आउंदियां ने कायनात दे लोगों रिश्तेदारियां ज बंदे तों जुदा हो जांदियां ने कायनात दे लोगों किसे दे
मां बाप जवानी अंदर विछड़ जान, किसी के मापे मापे जनाबे वाला बचपन अंदर विछड़ जान, कल दा देनी है ना पूरे वाला दी अंदर मेरा प्रोग्राम। इस वजह तो मुलतवी किया गया, जिस बंदे ने मेरा प्रोग्राम रखिया सुबह सुबह ही उस बंदे का कतल कर दिया गया। तो बंदे मैनु दसते ने आते ने कारी साहब इंज करके उस बंदे ने अपने बच्चे नाश्ता करवा के वर्दी पहना के ते रक्षे विच बिठाया। उन्हें आखिया यार लै जा इन स्कूले, तो जाद्या कह लगा चल अल्लाह की सुपुरद रब राखा जिंदगी रही मुलाकात हो गया। पुत्र नु रक्षे च बजा बिठा के रुखसत कर दिता है, आप पिंडों बाहर निकलता पे है। ओदे ते कातला ने हमला किया, उठे मार के उस बंदे नु छुट के चले गए। मैं आखिया पुत्र कहिंदे होणगे अपू चले आ तू काम ते, असीं स्कूलों वापस आवांगे, तू साडे वास्ते हुंदा कोई शह लैके आएगा। पर इन्हां नु की पता है पाप अगे चीजां लैके आउंदा सी, अज बाप नु चारां कंधियां ते उठा के लियांदा जाएगा। जदों इह हस्तियां विछड़ जाण उदों बंदियां नु इन्हां दी कदर हुंदी है। अल्लाह वाला तर्जमा नहीं करदा है, आंदा बड़ा सिक हुंदा जे छोड़े आंदी अग दा, मापे टुर जानते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा बड़ा सेक हुंदा जे छोड़े आंदी अग दा, मापे टुर जानते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा कि सोने आ पुत्रा मेरे करीब आ। ओ मेरे आ शेर वर्गिया पुत्रा मेरे करीब आ। ओ मेरे आ लाडलिया पुत्रा मेरे करीब आ जा। कायनात दे लोगों मां नूं पता है मैं पुत्र दा नाम अब्दुल्ला रखिया, अब्दुल रहमान रखिया, पर मां अपने पुत्र नूं नाम लैके आवाज नहीं मारदी। जदों भी आवाज मारदी है शिफाती नाम नाल पुकार दी है, आंदी मेरे शेर वर्गिया पुत्रा घरों इन्नी देर बाहर ना रिहा कर, जिन्नी देर तक तू घर नहीं ना आउंदा मां दियां अंदरां कंबदियां रहिंदियां ने, मां दियां अंदरां कंबदियां रहिंदियां ने। नौजवान घर आउंदा है कायनात लोग इन्हां दियां उड़ीकां मापियां नूं सारी सारी रात सौण नहीं दिंदियां। दरवाजा खटकता है, दरवाजा खटकता है, तुसीं तजर्बा करिया जे तुसीं हुण घरे जाणा है, दरवाजा खटकदाया जे ते वेखिया जे जदों घर बणेगा ना अम्मी हया कोई ना ते करूं अम्मी दी आवाज आएगी पुत्र आ गया है, अम्मी दी आवाज आएगी अबू दी आवाज आएगी पुत्र खैर नाल आ गया है, पुत्र खैर नाल आ गया है। ऐ आवाजा जदों घरों आनियां बंद हो जाण उदों फिर जुमला तेनूं याद आएगा कि मैं हिसाब करा कोई भी हिसाब नहीं, मापिया ते मिठड़िया बोलां दा जवाब नहीं। प्यार कट्ठा कर लै तू, प्यार कट्ठा कर लै तू भावें सारे जग दा, मापे टुर जानते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। अल्लाह अकबर अल्लाह, बाप टुर जावे ते मारती जुदाई है, पूछ ओदे कोड़ों जे दी टुर गई माई है। दुख खून चूस लेंदा, दुख खून चूस लेंदा लोगो रग रग दा, मापे टुर जानते फिर पता लगदा। आखरी जुमला ते मेरी तकरीर दा इख्तिताम, मेरी तकरीर दा निचोड़, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह वाला तर्जमानी करदा है। अल्लाह आंदा मापिया ते प्यार वाला नगमा होंठां ते सजाई रख, मापिया दे सामने नजरा झुकाई रख। ओ शिमला जे चाना है उचा, शिमला जे चाना है उचा अपनी तू पग दा, मापे टुर जानते फिर पता लगदा, फिर पता लगदा। अल्लाह अकबर अल्लाह। कायनात दे लोगो हुकूकुल इबाद दे अंदरों सब तो पहला हक मां बाप दा है, अम्मी अबू दा हक है। मैं अगर इहदा तफसील नाल जिक्र करा मैनू काफी सारा वक्त दरकार है। हजरात मोहतरम कम अज कम
काम जो होर किसी नाल नेकी नहीं कर सकता। तेरिया तहजदा तेरे काम नहीं होनिया, तेरिया नमाजा तेरे काम नहीं होनिया। जे माँ बाप तेरे ते नाराज हो गए, तू मस्जिद च वड़ के अल्लाह को जन्नत का सवाल करना है, सजदे विच पै के रब को जन्नत मांगना है, ते जड़ी जन्नत रब ने तेरे घर च बिठाई उन्हें गाला कर दे, उन्हें पुठे नामा ना पुकार दे, पुठे पुठे ना रखे, उन्होंने जरूरत नहीं। एक सवाल तेरे को दूसरी बारी पूछ जान, उन्हें इन्नी हिम्मत नहीं वो एक सवाल का बार बार तेरे को जवाब मतलूब तलब कर लैन, उन्होंने इन्नी जरूरत नहीं तेरे सामने बह के उच्चा बोल जान। पुत्र जो जवान हो गया है, वह पुत्र जो जवान हो गया है, हुण माँ बाप की हिम्मत नहीं पुत्रा के सामने बोलिया जाए। कायनात के लोगों याद रखी, जो माँ बाप नूं तेरे सामने बोलन लगिया डर लगना शुरू हो जाए, तो याद रखी फिर तेरी जिंदगी के दिन उल्टे शुरू हो गए ने। कदे वेखी जे माँ बाप नूं तेरे नाल गल कर दियाँ डर लगन लग पिया ना, तो मेरी गल याद रख पले बन के लै जाई। माँ बाप नूं जे तेरे नाल गल कर दियाँ डर लगे तो चक चक के तेरे को सवाल करन, तो फिर याद रखी गिनती के दिन उल्टे शुरू हो गए ने। बर्बादी तेरे करीब आ रही है, फिर वक्त दे जवाल तेरे करीब आ रहे हैं। अल्लाह को दुआ करिए अल्लाह सानू सही मानिया दे अंदर, अल्लाह दे रब दे रसूल दे और अल्लाह सानू बंदियां दे हुकूक अल्लाह पाक अदा करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरा अल्लाह जो मैं बयान कीता है तुसा हबाब ने समाप्त फरमाया, मेरे समेत अल्लाह पाक सानू सारियां नू इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेख साहब दुआ करांगे, सारे दोस्त अहबाब दुआ भी करके जाया जे, ज़ियाफ़त का इंतजाम है, खाना भी खा के जाया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।